अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कंगना रनौत पर कानूनी कार्रवाई का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ गीतकार जावेद अख्तर की ओर से किए गए मानहानि केस में कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी कंगना पर कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। अब से थोड़ी देर पहले खबर आई कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ जारी कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया है। लाइवलो की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की ओर से किसानों पर कंगना रनौत के विवादित ट्वीट को लेकर जो कार्रवाई शुरू की गई है, उस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर बेहद विवादित ट्वीट किए थे और यहां तक कि आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादी और बुजुर्ग महिलाओं को 100-100 रुपए में उपलब्ध होने वाली तक बता दिया था। इसके बाद कंगना रनौत के खिलाफ किसानों ने जबरदस्त विरोध किया था। किसानों ने आरोप लगाया था कि कंगना रनौत सत्ताधारी बीजेपी के इशारे पर किसानों को बदनाम कर रही हैं। इसका मतलब है जी, जो हमारी जो माएँ हैं, जो हमारी जो बुर्ग जमाते हैं, वो वहाँ जहाँ पे धरने के लिए आई हैं, तो वो ये कंगना का जब बयान था कि ये 100-100 रुपये लेकर आती हैं, तो हम इसको 150 रुपये में देते हैं कि हम 50 रुपये इसको एक्स्ट्रा देते हैं, टिप देते हैं कि वो आकर 150 रुपये ले, वो हमारे साथ धरने पर आ जाएँ। तो 150 रुपये में आप चाहते हैं कि वो तो 100-100 का रेट दे रही थी, लेकिन हम 150 देंगे, वो किसानों के आंदोलन के बीच में आए। हम उसको 50 रुपये टिप दे रहे हैं ना, उसने बम्बे से आना है, उसके प्लेन भी पकड़ना है, टिकट भी लगेगी, और उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा देंगे कि वो इधर आ जाएगा धरने के लिए, तो हमारे साथ बैठे धरने के लिए। लेकिन आप 150 दे रहे हो, क्या पता उसको कोई 150 करोड़ दे रहा हो आपके खिलाफ बोलने के लिए। नहीं, हम तो इसकी वैल्यू तो 150 ही रखते हैं ना, उसको चाहे वो जितने मर्जी करोड़ लें, हम तो उसको इतनी वैल्यू देते हैं कि 150 रुपया, 150 रुपया वो जहाँ पे जो है वो बोल रहे हैं किसान की 150 ज़्यादा है, पर हमने तो 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए कि उसके बम्बई से आना है इसलिए। तो जो कंगना ने आपकी माताओं बहनों के बारे में बेहूदगी बयानबाजी की, उससे आपको गुस्सा आया, उससे आपको तकलीफ हुई? नहीं, हमको तो कोई गुस्सा नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं है, उसने तो बोलना था बोल दिया, अब हम उसको 150 रुपये में बुला रहे हैं कि वो इधर आ जाए, 150 रुपया ले ले। लग रहा है आएगी, आना चाहिए, उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। बट वो बीपी जी जिसके बारे में उसने बोला था, जो फोटो जिनका वायरल हुआ था हाथ में झंडा लेके, वो तो कह रही थी मैं 700 रुपये दे दूंगी। चलो वो माता के पास ज़्यादा पैसा होगा, हम तो 150 भी देंगे उसको, 150 ही देंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कंगना को कि आए 150 रुपये पंजाबी में बात ये बात नहीं करना चाह रहे? तो इन लोगों का कहना है कि कंगना रनौत ने ये देखिए 150, तो जो माताओं को 100-100 रुपये में उपलब्ध होने वाले, यानी जो धरना करने के लिए बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो 100-100 रुपये में उपलब्ध हो जाती हैं, ऐसा कंगना रनौत ने ट्वीट किया था। और उसके खिलाफ ये गुस्सा है और 150 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो कंगना रनौत, आप जब मुझसे ट्विटर पर बहस करती हैं तो भाग जाती हैं, बाकी लोगों से बहस करती हैं तो भाग जाती हैं, आइए आपको 150 रुपये मिलेंगे और 150 रुपये 50 रुपये टिप मिल रही है, आइए यहाँ पर आकर किसानों के बीच में बैठिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनके आंदोलन को समझने की कोशिश कीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए कि देश का अन्नदाता क्या बोल रहा है। ये वीडियो मैं आपको सिंगू बॉर्डर से दिखा रहा था, अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सुमित चौहान, आदर्श तिवारी के साथ।